खास तौर से हमारे रियासत तेलंगाना 2014 में बनने के बाद आप देखते होंगे रियासत तेलंगाना हैदराबाद के अंदर ही नहीं, रियासत तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से कलेक्टेड ऑफिस हो, जिस तरीके से पुलिस स्टेशन हो, इन तमाम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और मैं आज जो इनॉग्रेशन किया गया जो हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर कुलसुमपुरा हो और खास तौर से जो हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन है वो भी हैदराबाद पार्लियामेंट क्राइटेरिया जो अहम सबसे आगे मसला है वो पुलिस वो सिटीजन फ्रेंडली है। तो जितनी पुलिस स्टेशन में जो 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ का खर्च हुआ है ये सब के पीछे यही है कि पब्लिक को कितना सहूलियत मिले। आज हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो 900 के लिए और उससे जुड़ी हुई जो पेट्रोलिंग सिस्टम के लिए करीब 4000 से ज्यादा गाड़ियों की रोलिंग किया गया है और तेलंगाना में कहीं भी चाहे वो लिटिल नगरम का रिमोट एरिया हो या वो जुबली हिल का पॉश एरिया हो कहीं भी 10 से 15 मिनट के अंदर डायल 100 करने के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। ये एक बहुत बड़ा भरोसा है, ये एक बहुत बड़ा तसल्ली है और इससे कॉमन सिटीजन को एक बहुत ताकत मिलता है। आज जो सीसीटीवी कैमरा की बात होती है हिंदुस्तान के करीब 65% सीसीटीवी कैमरा हमारे तेलंगाना स्टेट में। तो अगर कोई बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, शाम को कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, तो उनके घर में उनके पेरेंट्स को एक तसल्ली रहती है कि सर्वेलेंस उसका निगाह कैमरा का निगाह हर जगह है। सोसाइटी में हमेशा अच्छे लोग रहते हैं तो कुछ बुरे लोग भी जरूर रहते हैं। ऐसा कभी सोसाइटी हो ही नहीं सकता है कि 100% लोग अच्छे ही हैं। कुछ लोग जरूर चलाते रहेंगे, कुछ लोग जरूर क्रिमिनल बैंक माइंड पे रहेंगे, उनको चेक करना हम लोग सबका मिलकर ये जिम्मेदारी होती है। और क्राइम प्रिवेंशन का जहां तक बात होता है तो क्राइम प्रिवेंशन में पुलिस के साथ कॉमन पब्लिक का पार्टिसिपेशन उसकी भागीदारी बिल्कुल बराबर की होती है। अगर जब डीजी साहब ले रहे हैं उन्होंने कई दिन में 23% पे था सिवा हमारे स्टेट में ओवरेज का होता और कुछ दिन के बाद हर पुलिस स्टेशन में 50-50 हो जाते हैं एक साइड पेड़ा लिखे अब तो हमने पहले को पेड़ा है कहानी से वो थे वो मेडिकल क्लास के लिए बचता है आज तो पूरे एक साइड आई थी इंजीनियर चाह रहे हैं लेकिन दिखा दी है आगे चल के हमारी पुलिस ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी कि शायद घरों में जो लोग चाहे जाता है अमरीका उससे भी आगे रहेंगे तो हमारी पुलिस रहेगी। तो तमाम पुलिस ऑफिसर और पुलिस की निगाह से मुबारकबाद देता हूँ और आज जो पुलिस स्टेशन हमारे क्षेत्र में हमारे खास तौर से कौशल है कि जो हमारे हल्की लोगों के लिए है उन्होंने पढ़ना कर लिया कि वहाँ रहेंगे एक देने के राष्ट्रपति साहब की सबको मनोहर पुलिस ऑफिसर को बाकी वहाँ से मुबारकबाद देता हूँ आप लोग भी मुबारकबाद देता हूँ मैं तो आप लोग शुक्रिया अदा करते हैं इतने जगह पर आया इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं बिल्कुल आराम से अच्छी पुलिस ऐसे Thank you.